नमस्कार दोस्तों, अभी भी की सबसे बड़ी खबर मौसम विभाग को लेकर आई है। राजस्थान में सूपड़ा साफ हुआ। राजस्थान में दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए का भारी नुकसान। लगभग दोस्तों 2500 से ज्यादा गांवों के अंदर बिजली नहीं आ रही है, हालात बिगड़ गए हैं। देर रात विकराल आंधी आई थी, जैसा कि मैंने आपको एक दिन पहले ही और सुबह सुबह ही बता दिया था कि राजस्थान के लगभग 11 जिलों में आंधी तूफान से भारी तबाही मच सकती है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी मात्रा में ओले गिरे हैं और दोस्तों भारी बारिश दर्ज की गई है, लेकिन हवा की रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से जगह जगह पर दोस्तों पोल गिर गए हैं, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई है। बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमा गई है और अब दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और अब बिजली का संकट गहरा गया है। अलवर, भरतपुर, वहीं दोस्तों करौली, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर, इन सभी जिलों के अंदर देर रात भयंकर आंधी तूफान ने तबाही मचा दी है। उधर दोस्तों बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर का कुछ क्षेत्र, वहां पर भी धूल भरी आंधी चली थी और यह आंधी का सिलसिला रात्रि दोस्तों 11:30 से शुरू हुआ और लगभग 4 तक दोस्तों चलता रहा। उसके बाद में मौसम खुला और आज दोस्तों फिर से एक आंधी तूफान का दोस्तों असर बन रहा है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ एक्टिव है जिसके चलते 31 मई तक धुआंधार आंधी तूफान भारी बारिश राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। देर रात कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जगह जगह पर पेड़ गिर गए हैं, रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, कई मकानों को भारी क्षति भी पहुंची है। भयानक दोस्तों विकराल आंधी आई थी राजस्थान के अंदर और अब फिर से जयपुर, भरतपुर संभाग में दोस्तों ऑरेंज अलर्ट जारी, जबकि बीकानेर, जोधपुर संभाग में येलो अलर्ट जारी है। यहाँ पर धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन जयपुर, भरतपुर संभाग में रिकॉर्ड बारिश होने वाली है, जमकर आंधी तूफान चलेगा। उधर उत्तर प्रदेश के अंदर भी हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी राज्यों के अंदर मौसम पूरी तरीके से खराब बना रहेगा। आपसे विनती है कि भारी बारिश आंधी तूफान के चलते आप बिल्कुल भी बाहर ना निकले, क्योंकि भारी बारिश आंधी तूफान के बीच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें। वर्तमान में आपके जिले का मौसम कैसा है कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मौसम की प्रत्येक जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।